वेलकम बैक। और इस वक्त आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत शुरू होने लगी है। कुछ देर में अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तश्कील दे दिया है। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बेंच तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस की सरबराही में। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। मजीद क्या सूरत हाल आज रही पार्लियामेंट में, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सर साहब, मुदस्सर राणा साहब और वैसे राव साहब, सीनियर सहाफी हैं। आज उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी कवरेज भी की है। मुदस्सर साहब क्या कहेगा आज पार्लियामेंट में, बड़ा देखा है कि आइन की शिकनी की गई है या आइन पर अमल दरामद हुआ है, पहले तो ये बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाकिब। आज जो पार्लियामेंट का इजलास था, और यकीनी तौर पे जो इमरान खान रात बात कर रहे थे वो सरप्राइज देंगे, तो यकीनी तौर पे ये सरप्राइज से कम नहीं था। चाहे वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या अपोजिशन के लीडरान हो, इवन जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके लिए भी एक सरप्राइज था, क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने जो कानूनी माहरीन से हमें मालूमात मिली थी उसके मुताबिक जो असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार उस वक्त तक नहीं हो सकता वज़ीर आज़म के पास जब तक तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होता। तो यकीनी तौर पर एक सरप्राइज था कि ये आइन का आर्टिकल 5 कहाँ से आ पड़ा, इसके हवाले से आनी पड़ा, ये आर्टिकल तो मौजूद है, मौजूद है पर उसके हवाले से कोई तशरीह नहीं थी। जैसे आइन का आर्टिकल 95 था तो 94 का पता नहीं था कि आइन के 94 के तहत वज़ीर आज़म तब तक वज़ीर आज़म रहेंगे और जब तक दूसरा वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि तारीख पर पहली बार अब आइन जो है उसकी भी सही तशरीह की जा रही है, क्योंकि इससे कबल जितने भी मुदस्सर हमने देखे हैं कि कभी भी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें हुई हैं या वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें कोई भी रहा हो, लेकिन तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग रही है। तो यहाँ आखिर तक जो वज़ीर आज़म का गेंद से आखिरी गेंद तक खेलने का मकसद था वो भी नजर आता है। यहाँ पे एक चीज की तशरीह होना जरूरी है, वो जो आइन का आर्टिकल 5 जिसका जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने बतौर वजीर कानून, उसकी तशरीह बाकी कि क्या वो हालात हैं कि आइन का आर्टिकल 5 के हालात हैं लागू हो सकता है, जिसके वाले से स्पीकर को उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि आप रूलिंग दें, क्या वो आर्टिकल के हालात हों तो फिर ये लागू हो सकता है और उस सूरत में स्पीकर रूलिंग के तहत उस करारदाद को मौखर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ पे अब बहस होगी, इसी वाले से जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच तश्कील दिया गया यकीनी तौर पे वो इस पॉइंट वो उस पर तो अभाम है ही नहीं ना, आइन के आर्टिकल 95 तो अभाम ही नहीं है, कदम एतमाद आ सकती है, वो कानून है, आर्टिकल है, आइन है, वो तो आ सकती है। उसका दिन था आज, आज वोटिंग होनी थी, लेकिन मौखर होने की वजह बनी आइन का आर्टिकल 5। अब आइन का आर्टिकल 5 उसकी तशरीह इन्होंने सही की है या नहीं की, उसके लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में ये बेंच बनाया है, अटॉर्नी जनरल भी आ गए हैं वहाँ पे, केस कोर्ट में अर्जेंट हेयरिंग है और यकीनी तौर पे ये मामला कोई लंबा तोल नहीं इख्तियार करेगा। ये आज रात तक ही पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस हुआ है आज पार्लियामेंट में ये कंटिन्यू था, सही था, गलत था, इसकी तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। हम करेंगे तो शायद हम गलत ना कर दें, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हम जर्नलिस्ट सिनेरियो तो बता सकते हैं, आइन की तशरीह करना नहीं। लेकिन आइन की तशरीह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरी कुछ कानूनी माहरीन से भी बात हुई है, क्योंकि जब आपकी मुल्क की मफादात की बात आ जाती है तो यकीनी तौर पर आपको या तो रियासत को बचाना होता है या फिर आइन पर ही काम करना होता है। रियासत भी स्टेक पर है, आइन भी स्टेक पर है। हमें 1971 को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह 16 दिसंबर 1971 को हमने देखा कि जब मुल्क को 2 लाख किया गया तो उस वक्त भी यही शिक और यही सारे मामलात में इस कौम को उलझा के रखा गया आर्टिकल 5। लेकिन ये जो आर्टिकल 5 की हम बात कर रहे हैं कि तौर पर इसमें वाज़ह तौर पर मौजूद है कि कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा अंसर जिससे रियासत को खतरा हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, रियासत को खतरा हो तो उस वक्त ये आर्टिकल अपनी जगह बनाता है। जुहैब जरदारी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची से, और कराची जो कि गढ़ है और वहाँ से कुछ इत्तेहादी जिनके ज़मीर जागा था और वो अपोजिशन बेंचों में जा बैठे थे, और सिंध हुकूमत जरदारी साहब की वो फिलहाल अभी अपनी जगह पर मौजूद है। सिंध में कराची में क्या सूरत हाल है MQM को लेकर भी, जरदारी साहब क्या सूरत हाल है अब अदम एतमाद फिलहाल इस वक्त जो नजर आ रहा है, क्योंकि कौमी असेंबली तहलील हो चुकी है और तमाम अराकीन फारिग हो चुके हैं, अब जो इत्तेहादी अराकीन MQM वहां मौजूद थी कराची से, जो इस वक्त आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में बैठी थी, क्या देख रहे हैं, क्या हालात है वहां पे इस वक्त? नहीं, यहाँ पे तो हालात तो आपके पास ही होने चाहिए ना, हमारे पास तो क्या था, यहाँ तो सुकून ही सुकून है। सारा मामला माहौल जो गर्म था वो तो आपकी तरफ था, और आज आपने देखा होगा असेंबली के इजलास में कि हमारी तो सिंध की पूरी काबीना ही वहाँ इजलास में बैठी हुई है। नहीं, तो यहाँ के तो सारे लोग हो गए या दूसरे सूरत में तैयार हो गया, अलीम आदल साहब की तरफ स्टेशन चला गया है? नहीं, अब देखिए यहाँ तो खैर सेशन था नहीं, लेकिन अगर जश्न जो मनाया जाना था
तवक्को थी कि शायद ये मामलात होंगे उसके बाद जश्न की सूरतेहाल होगी, वो अली मादल शेख साहब की तरफ मुंतकिल हो गया है क्या या अभी बस खामोशी है? पता नहीं, अगर फिलहाल तो खामोशी है क्योंकि अली मादल शेख भी कैसे जश्न मनाएंगे, वो ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि वुजरा और जो कारकुनान है अपनी हुकूमत के खात्मे पर जश्न मना रहे हैं। तो ये तो अजीब सी एक बात है कि इमरान खान ने तो फिर भी, यानी ये था कि पहले आप मार रहे थे, अब मैंने खुद को मार दिया है, तो मकसद ये है कि उसी दौर नहीं, लेकिन ये पहले आप मारने में वो एक था जिसको आप मार रहे थे, ये खुद कुछ हमला ऐसा है इसमें सारे ही फारिग हो गए या फर्क है? अब लेकिन ये कि अब फर्क है, हम देखें अभी, अभी अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी चले कि ये कि आयन की और तशरी होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया है, लेकिन ये है कि हम कम से कम आयन को पढ़ तो सकते हैं ना, अगर हम तशरी नहीं कर सकते तो कम से कम जो अभी साकिब साहब आपने जो तर्जुमा किया है आर्टिकल 5 का, मैं उससे 100% इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 5 इस तरह की बात नहीं करता जो भी आपने बताई, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ लफ्ज़ बर लफ्ज़ मेरे सामने, वो हर शहरी का वफादार होना जरूरी है। आर्टिकल 5 जो है उसका टाइटल है लॉयलिटी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये उसका टाइटल है कि यानी रियासत के साथ वफादारी और आईन और कानून पर अमल दरामद, उसको ओबे करना। अब आते हैं आर्टिकल का जो उसका क्लॉज 1 है जिसका जिक्र किया है हमारे पवा चौधरी साहब ने, उसमें कहता है कि लॉयलिटी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि मुल्क के साथ वफादार रहना हम हर शहरी का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। इसी एक ही उसने नीचे नहीं पढ़ा, दूसरा क्लॉज नहीं पढ़ा, उसने ये पढ़ा कि भाई ठीक है हम वफादार हैं, लेकिन अदम एतमाद मुल्क से गैर मुल्क से डिसलॉयलिटी के स्पेट चलाई जा सकती है। फिर जो क्लॉज दूसरा है उसका 2 क्लॉज है, ये आर्टिकल जो है सिर्फ 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है, पहला क्लॉज मैंने आपको पढ़ के बताया, दूसरा सुने, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी सिटीजन वेयर एवर ही मे ही है एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बींग विद इन पाकिस्तान, कि जो भी उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होगा उस पर यह फर्ज है कि वो आईन और कानून पर अमल दरामद करेगा। तो ये कहीं कैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई आर्टिकल 5 का 1 क्लास कहता है तो आप उस पर अमल करते हो और आप अपने वो उसको मुस्तरद कर दें आप अदम एतमाद को, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ टाइम पास किया गया है अपने आप को एक वो सरप्राइज देने के लिए, और वो मैं ना मानू हार वाली बात के लेकर के चलो हम तो डूबे सनम सबको लेकर डूबते हैं, तो मेरे ख्याल में ये खान साहब ने सबको लेकर डूबा है और ये बिल्कुल, और आपने आर्टिकल 5 की बात है ना, अब जब इसके 2 क्लासेस के बाद आर्टिकल 6 आ जाता है और वो उसी के उसमें आ जाता है, और आर्टिकल 6 तो मेरे ख्याल में आप लोगों के सबके सामने वाजे है, उसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आर्टिकल 5 पर अगर सही अंदाज में अमल नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आप पर आर्टिकल 6 अप्लाई हो जाता है, और मेरे ख्याल में आज जो जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो उसको 5 आर्टिकल को जवाब बनाकर, तो वो उस पर पूरा नहीं उतरते। हाँ देखिए फवाद चौधरी ने कहा कि यूं हुआ है तो कम से कम अपोजिशन को भी तो सुनना चाहिए था ना, उस पर बहस होना चाहिए था, बहस नहीं हुई और आपने बस एक फवाद चौधरी ने कह दिया और आपने उसका कहना माना और आपने कहा कि हाँ भाई ये अदम एतमाद को मैं मुस्तरद कर सकता हूँ। अदम एतमाद आप मुस्तरद कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आईनी तौर पर आपने हर हाल में करने, और फिर आप कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आखिर में कि ये सारा कुछ जो है ना उसे मैं असद कैसर के बयान पे कर रहा हूँ। भाई जिस स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी हो उसके तो अख्तियारात ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर आप उसके बयान में ये कैसा कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में तशरी इसकी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तक जो हम मामला देख रहे हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी अमल जरूर हमें नजर आ रहा है, और इमरान खान ने एक नए आईनी बहरान में हुकूमत को और मुल्क को धकेल दिया। चलें अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब ये मामला, क्योंकि आईनी तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है, जितनी वजाहत आपने की है इसकी वजाहत मुस्तकिल हमें और बहुत सी जगहों से भी आ रही है, अब आईन की तशरी और आईन को किस तरह देखा जाता है, किस तनाजर में इस फैसले को और इसको करीब तर लाया जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी बहुत सी मामलात हैं जिन पर मामला चलते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले माजी में भी हमने देखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस तरह के फैसले आए और बेंचेस बने और उनकी हुकूमत को बहाल किया गया। मुदस्सिर साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब हालात तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया है, इमरान खान अपनी फतेह का जश्न बना रहे हैं, अपोजिशन अपना मातम कर रही है, लेकिन मामला आईनी बहरान की तरफ जा रहा है, जैसे कि अभी जदाई साहब ने भी कहा अगर ये आईनी बहरान बरकरार रहता है तो यकीनी तौर पर फिर कुछ और आवाज़ें हमें सुनाई देंगी। बिल्कुल, आवाज़ों की जहां तक ताल्लुक आपने बताया
तो ये माजी में इस तरह हुआ है कि कभी भी आइनी बहरान पैदा हुआ है तो फिर यकीनी तौर पे उन आवाज़ों की गूंज भी उठी है। और अभी आइनी बहरान जिस तरह ज़ुहैब साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह कर दी, इनमें जो आर्टिकल 5 का जिक्र किया ना कि आइन पे अमल दरामद ना करने की सूरत में, फिर अगला आर्टिकल लगता है आर्टिकल 6 जिसको कहते हैं गद्दारी का मुकदमा, आइन पे अमल दरामद ना करना, जो ज़ुहैब साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की। और वही बात शहबाज शरीफ ने भी कही थी, अपोजिशन लीडरान ने भी कही थी कि आर्टिकल 6 लगेगा इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। और ये बड़ी संजीदा किस्म की बात है, और इसको अगर नज़रअंदाज किसी ने कर दिया तो यकीनी तौर पर बड़ा वो गूंज, फिर यकीनी तौर पे नज़रअंदाज करना तो यकीनी तौर पे उनकी गूंज आ गई, बूटों की गूंज आ गई, जिसको आप कहते हैं सीधा सीधा मार्शला की तरफ चले जाएंगे। और फिर जब सूरत हाल ऐसी होगी, अफहम होगा, इख्तदार छोड़ा नहीं जाएगा, कवानीन के मुताबिक इख्तदार के हटना आपका हक बनता है, उसके बावजूद भी आपको उस पर छोड़ने पर राजी नहीं होते, फिर यकीनी तौर पर तीसरी चौथी कुव्वत आ जाती है और वो ये नहीं चाहेंगे। नहीं, वो तो इख्तदार छोड़ चुके हैं, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक अगर सुप्रीम कोर्ट से लेट सपोज किस तरह कुछ ऐसी बहाल हो भी जाती है, मामला निकल भी आता है, तो वजीर आजम तो मौजूद है, तो अदम एतमाद की तहरीक तो वापस बरकरार हो जाएगी, फिर इस्तीफे देकर घर चले जाएंगे तो बहरान तो फिर भी पैदा रहेगा। इस्तीफे देकर कौन चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ वाले? बिल्कुल, ये तो पूरे वाले वही बात है ना, इमरान खान साहब जब अपोजिशन ने फार्मूला तय किया था पीडीएम ने कि हम तमाम इस्तीफे दे देते हैं, तो इमरान खान के लफ्ज थे कि भाई आप इस्तीफे दे देंगे छोटे आम इंतखाबात तो नहीं होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर दोबारा उन्हीं हल्कों में हमारे बंदे जीत के आ जाएंगे, वो 140 से अगर नशस्तों से इस्तीफा देते हैं कौमी असम्बली से तो उनसे आम इंतखाबात तो नहीं होंगे, ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और उससे असम्बलियाँ तो नहीं टूटेंगी। बकौल इमरान खान के, मैं अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा हूँ, बकौल इमरान खान के माजी से एक साल पीछे चले जाएँ, जो उन्होंने कहा था कि अगर इस्तीफे देते हैं अपोजिशन वाले पीडीएम वाले तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंतखाबात करवा देंगे, तो फिर वही वाली बात उनको कोर्ट करनी पड़ेगी, भाई आम इंतखाबात तो नहीं हो सकते, आप ज़िमनी इंतखाबात करवा लें, तो ये सूरत हाल बनेगी, उसमें भी आइनी बुरान उस सूरत में तो पैदा नहीं होगा। और तीसरी बात, तो ये जो अपोजिशन की जो बकौल स्ट्रेटजी या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, तो उनका तो यही कहना था कि भाई हम अगर अदम एतमाद कामयाब होती है और उसके बाद इख्तदार में आते हैं तो बजट पेश करने के बाद हम वापस जो है इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे ताकि वो एक तसलसल चले, ये एक अंधेरी गली की तरफ जाने का मुतरादफ हो गया है, क्योंकि इस दफ़ा ये जो मामला हो गया है, आप पे स्टॉक एक्सचेंज मुतासर हुई, आपके इंटरनेशनल वैल्यू मुतासर हुई, आपकी सूरत हाल ऐसी होगी है कि आपका आलमी मीडिया की तरफ आप नज़र तो डालें, थोड़ी सी देखें क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान वजीर आजम होते हुए उसको उतारने के लिए तैयार हो गई है अपोजिशन, उतरने को तैयार नहीं। यही सूरत हाल माजी में उन मिडल ईस्ट के ममालिक में भी हुई थी, जब इकतदार की वजह से लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे और वहाँ पे मजबूर होकर वहाँ के बागी ग्रुप्स बने थे, वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज की बनी थी, वो उन्होंने ज़बरदस्ती इख्तदार छीना, तो ऐसा जो खाना क्या कहते हैं एक जंग होती है ना अंदरूनी खाना जंगी टाइप, इस तरह की सूरत हाल पैदा ना की जाए और जो कवानीन के मुताबिक मौका दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं था, साल था ना, साल अपोजिशन को भी वेट कर लेना चाहिए था, अगर साल अपोजिशन इख्तदार में आती है तो जो पीटीआई उसको भी इंतजार कर लेना चाहिए था, देख लें बल्कि उनके लिए फ़ायदेमंद होता, एक साल में शायद वो टारगेट अचीव ना कर सकते अपोजिशन, तो पीटीआई के लिए बड़ा फेवरेट होता, पर उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की है और ये तारीख में नाम लिखा जाएगा पीटीआई का कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती। लेकिन चलें, ये गलती तो आपकी तरफ से आप कह रहे हैं, ज़रदारी साहब अपनी तरफ से कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन यकीन तौर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और ये आइनी बहरानी कैफियत, जैसे आप दोनों ने भी कहा कि आइनी बहरानी कैफियत की तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है या ले जाया गया है। अब क्योंकि सूरत हाल इस तरह कशीदा होती जा रही है कि लोग सड़कों के ऊपर हैं और अब नजरें पार्लियामान से उठ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा चुकी है, तो कहीं आपको ये तो नहीं समझ में बात आ रही कि आपको याद है कि 99 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात के फैसले चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई हो गई थी, ठीक सूरत हाल हमें वो नजर आ रही है अब, क्या इस तरह कैसे हो सकती है? बहुत सियानी हो गई है, मैं आपको सच बताता हूँ, अब हम बैठे ना यहाँ पे कितना दूर है डीजो, आधा किलोमीटर के फासले पे भी है, वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी पार्टी, उसको उतरना है, आज अदम एतमाद पेश होनी है, कारकुन कितने आप मुझे बता दें, 100, 200, 500, 1000 कारकुन ही नहीं है, मतलब निकले ही नहीं है इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में, वो भी बच्चे बच्चे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं, मैं खुद हैरान हुआ, मैं बड़ा मतलब दिल बर्दाश्त हुआ गया, तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी यूथियों की पार्टी और हम सपोर्ट करते हैं,
बिंग एज ए पार्टी, एक नई पार्टी थी, हम कहते थे अच्छी है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग नहीं आए यार, हैरत की बात है। यहाँ पे तो इनकलाब होना चाहिए था, तुर्की जैसा इनकलाब होना चाहिए था। चले ये इनकलाब, ये इनकलाब की बातें तो लीडरों को करने दें, हम साफत करते हैं। ज़दाई साहब, कराची में जाहिर है आप तो बड़े पुरसकून बैठे हैं और इस वक्त आइन की किताब हाथ में लेके बैठे हुए हैं और अब यकीनी तौर पर आप लोगों को आइन बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब ये बताएं कि इस तमाम सूरत हाल में सिंध हुकूमत पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सिंध हुकूमत में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये कि इसी तरह जिस तरह अभी कुछ देर पहले परवेज इलाही साहब मीडिया से गुफ्तगु कर रहे थे, जब उनसे भी यही सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो साहब ही ने पूछा कि अब पंजाब का हुकूमत का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई 18वीं तरमीम के बाद अब सूबा असेंबलियों का मामला अलग होता है और कौमी असेंबली का मामला अलग होता है, तो कौमी असेंबली तैली हो गई है लेकिन सूबा असेंबली अभी भी बरकरार है, वो अपना अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इस तरह कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वो बात करें जो एग्रीमेंट हुआ है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में, तो अब हम देखेंगे उस पर अमल दरामद, क्योंकि अब अमल दरामद तो पीपल्स पार्टी ने करना है। अब तहरीक एतमाद कामयाब हुई या नहीं हुई वो सिर्फ कतई नजर, अब हम पीपल्स पार्टी को जरूर देखेंगे कि वो उस एग्रीमेंट पर किस तरह और कब से अमल दरामद शुरू करती है। फिलहाल तो हम सारी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी हुई है, सारे हमारे सूबाई गुजरा बशमूल, लेकिन एमक्यूएम को धक्का तो लगेगा इनकी सियासत, लेकिन एमक्यूएम ने बकौल एमक्यूएम और उनके मुहिदे के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने आते ही पहले ये कहा था कि ये मुहिदा अदम एतमाद की करारदाद और तहरीक से मशरूत नहीं है। ये जुमला उनका बड़ा वाज़े है। तो अब इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन ये हुआ तो इसी कॉन्टेक्स्ट में था ना, वरना ये इतने 14 सालों से पीपल्स पार्टी इनको लिफ्ट ही नहीं करा रही थी, लेकिन अब उनके इतने मुतालबात माने तो वो सारे अदम एतमाद की तहरीक की वजह से ये सब कुछ हुआ। बात नहीं कि वो मुआहदे के तहत दो वजारतें कहां से देंगे वफाक में, वो भी तो सोचने की बात है नहीं। वो देखिए, अब मेरे ख्याल में देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से दो तीन प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जब हुकूमतें या असेंबलियां तहलील होती हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, तो उसमें अगर हम वो जो जियाउल हक ने जुनेजो की हुकूमत को डिसॉल्व किया था, 85 वाली जो हुकूमत थी और 88 में उनको डिसॉल्व किया, तो वो चले गए थे कोर्ट में, जुनेजो ने चैलेंज किया था जिया के उस ऑर्डर को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे, एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त कराची से ही आ रही है कि पीआईबी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। अब तक की इतलात ये कराची से आ रही है कि 3 मंजिला बिल्डिंग की जो इमारत है वो कराची पीआईबी कॉलोनी में गिर गई है। पीआईबी जहां फारूक सत्तार साहब का घर है और बड़े करीब तरीन हल्के यहां मौजूद हैं, एमक्यूएम का बड़ा खास गढ़ भी समझा जाता है इसे, लेकिन ये एक हादसा वहां पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। यकीनी तौर पर अब तक कोई इतलात ऐसी मौसूल नहीं हुई है, इमदादी टीमें वहां रवाना हो चुकी हैं, मजीद तफसीलात भी हम आपको आगाह करेंगे। जी इजहर साहब, आगाह कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 85 की हुकूमत थी जुनेजो साहब की और वो फिर 88 में जियाउल हक ने खत्म की, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे चलकर ये फैसला, और जियाउल हक ने एक साथ साथ फिर वो इंतखाबात भी अनाउंस कर दिए थे, असेंबलियां भी तोड़ दी थी और कहा कि इंतखाबात होंगे, तो फिर अदालत ने ये फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। हाँ, उस पर तनकीद भी होती है आज भी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि आपकी हुकूमत को खत्म करना बिल्कुल गलत है, आपकी हुकूमत को गलत तरीके से खत्म किया गया है, लेकिन चूंकि सदर साहब ने नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है तो हमारा ख्याल है कि नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तो एक तो वो प्रेसिडेंट मौजूद है और फिर दूसरा आपका जो नवाज शरीफ की हुकूमत जो थी वो इसहाक खान ने खत्म की थी, तो फिर वो अदालत ने उसको फिर बहाल कर दिया था। तो अब मसला तो इमरान खान की असेंबली तहलील करने वाला तो बाद में आएगा, पहले यह तय होगा कि जो स्पीकर की रूलिंग थी क्या वो आईनी थी, अगर स्पीकर की रूलिंग आईनी बनती है तो फिर इमरान खान के इस लेकिन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस पर भी बड़ी वाजे प्रेजेंट्स मौजूद हमारे पास है और मुसलसल ये अदालत के फैसले अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो ऑर्डर्स, इसमें दो ऑर्डर्स बड़े वाजे हैं ज़दाई साहब, मैं थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं कि इस वक्त ये दो ऑर्डर्स अभी रिसेंट डेट में जो हमने एक यूसुफ रजा गिलानी का देखा चेयरमैन सेनेट के हवाले से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से वो ऑर्डर वापस आया जिसमें कहा गया
कि ये सेनेट का मसला है, पार्लियामेंट का मसला है, वही हल होगा, इस पर हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते, ऑर्डर पास नहीं कर सकते, रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। वो ऑर्डर हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हमारे सामने है कि जो वाहिद पार्लियामेंट के मामला है पार्लियामेंट में निपटे जाए, और पार्लियामेंट में जो स्पीकर की रूलिंग है उसे किसी फॉरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये जो रूलिंग वाला मामला है ये तो वाजह में क्लियर है, और इससे पहले भी हमने देखा सुबह माहिर कानून ने इस पर भी बड़ी दलाइल अपने दी है। जो आर्टिकल 5 का एक मामला है यकीनी तौर पर इस पर अदालत इस वक्त सीरियस कॉन्सिक्वेंस लेके बैठी हुई है, समाज शुरू होगी तो यकीनी तौर पर मालूम होगा। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से, लेकिन अगर देखें कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो प्रोसीडिंग उसका हिस्सा है, रूल ऑफ बिजनेस का जो कौमी असेंबली का है, और जो आर्टिकल 5 है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस पर मुझे भी राइट है, आपको भी राइट है, हर शहरी को राइट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसको आपने आर्टिकल 5 को जवाज बनाकर आपने जो ये रूलिंग पास की है, तो तय ये होना है कि वो आपकी रूलिंग और आर्टिकल 5 दोनों आपस में मैच करते हैं या नहीं करते। अगर मैच नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी रूलिंग गैर आइनी और गैर कानूनी बन जाती है, तो फिर तो वो खत्म होगी। अगर दूसरी बात ये है कि जब आप आयन के तहत ही आप लेकर जाते हैं ना ये अदम एतमाद की तहरीक, तो अदम एतमाद की तहरीक का आज आखिरी दिन है, उसको एनी हाउ आपने तो उसको आपने जो डिस्पोज ऑफ किया है, तो वो जो ग्राउंड आपने बनाया ये आप अदालत तय करेगी कि वो आपका ग्राउंड ठीक था या गलत था। इसी तरह अगर कल को स्पीकर बैठ कर कह दे कि भाई मैं इमरान खान को 5 साल के लिए वजीर आजम बना देता हूँ, तो भाई उसकी रूलिंग का मतलब ये थोड़ी कि वो ठीक है। इसी रूलिंग पर मैं वापस आता हूँ, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है। मुद्दी साहब, आप सुबह से पार्लियामेंट में मौजूद रहे और आपने देखा कि जो सूरत हाल वहां पे हमें नजर आई और जिस तरह मामला चलते रहे, अब जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी, इस्तीफे जमा हो गए, असेंबली तहलील होने की समरी भी हो गई, मंजूर हो गई सदर की जानिब से भी, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में हमने एक और तमाशा देखा कि अपोजिशन बेंच से उठ गए अयाज सादिक साहब, जो है वो पैनल के तौर पर पैनल स्पीकर के तौर पर जाकर ऊपर बैठ गए, जिन्होंने उसको लीड किया। अपोजिशन जमात के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने खिताब तकरीर शुरू कर दी। अब वो जब कौमी असम्बली के अराकीन नहीं रहे और असम्बली तहलील हो चुकी है, तो वो क्या मंजरनामा था, वो किस आइन के तहत या कानून के तहत हो रहा था? वो सिंबॉलिक था, आइन के तहत तो नहीं था, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जाहिरी बात है। उन्होंने वो तो अदम एतमाद की काउंटिंग शुरू करवा दी, जाहिरी बात है ना। देखें, वो जब अपोजिशन समझती है कि स्पीकर बतौर डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर की हैसियत से उन्होंने कासिम सूरी ने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, बकौल अपोजिशन, मैं नहीं कहता अपोजिशन, कि उन्होंने मिसकोड किया और फौरन उसको। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ हमारे नाजरीन को एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि स्पीकर रूलिंग देता रहता है, स्पीकर की रूलिंग को कोई नजरअंदाज नहीं करता, वो एक हिस्सा है उसका, लेकिन स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि कोई करारदाद या कोई बिल विदाउट वोटिंग उसको मोखर करे, ये भी एक आइन का हिस्सा है, विदाउट वोटिंग और विदाउट उसकी काउंटिंग के बगैर उसको मोखर नहीं कर सकता, चाहे वो पेश करना हो क्या, प्रेजेंट करने के तक की क्यों ना हो, क्योंकि प्रेजेंट करने पे भी अगर कोई मेंबर खड़ा होकर कहे ना कि भाई वोटिंग करो मैं चैलेंज करता हूँ, तो आइन कहता है कि उसको आप काउंटिंग की तरफ लेके जाएंगे। और ये जब पेश हुआ उस वक्त भी मेंबरान का ये हमायत से बिल पेश हुआ, अदम एतमाद का बिल जो करारदाद थी, अब उस पर वोटिंग होनी थी, तो वोटिंग एक आइन का हिस्सा है, और वो आइन का हिस्सा ना करवाना एक समझे कि गैर आइनी काम हुआ है मेरे ख्याल में, जहाँ तक जो कानूनी माहरीन के मुताबिक, और जहाँ तक आप जो बात कर रहे थे वो सिंबॉलिक सी चीज़ें थी, स्पीचेस हुई हैं इससे पहले भी हुई हैं इसी इजलास में, काफ़ी दफ़ा हमने, ये भी तो सिंबॉलिक होता है ना कि अली वजीर नहीं आते सिंबॉलिक तौर पर तस्वीर लगाते हैं, खुर्शीद शाह नहीं आते सिंबॉलिक तौर पर उसकी प्रेजेंटेशन के लिए तस्वीर लगाते हैं कि भाई उन्होंने शिरकत की, ये सिंबॉलिक्स हैं, बताना होता है कि भाई इजलास है। अब हमने ये भी देखा, फिर अगर ये सिंबॉलिक ना होता तो जाहिर बात है फिर असम्बली के माइक्स खोल दी जाती है, इस असम्बली का प्रॉपर जो सेशन होता है वो जैसे स्टेट मीडिया पर नशर होता है उस तरह होता है, ये जाहिर बात सिंबॉलिक्स थी। उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया इस तरीके से। चलिए जी, खबर आपको और देंगे पंजाब असम्बली से भी, जो पंजाब असम्बली है वो भी उसका इजलास जो है वो भी मुलतवी कर दिया गया है, और वहाँ से भी जो है जो मुस्लिम नून के रहनुमा है अता तारड़ साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट आने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी उसको भी गैर आइनी करार दिया जा रहा है। खबरें तो आज दिन भर चलती ही रहेंगी। जदाई साहब क्या कहेंगे, अब ये तो मामला सुबह की तरफ भी जा रहा है, ये सब कुछ पर्सनल क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुल्क के मफादात कहाँ नजर आएंगे फिर? मेरे ख्याल में हमारे पास मुल्क के मफादात हमारे सियासतदानों को तब नजर आते हैं जब उनके अपने मफादात का कोई मामला हो।
तो उनके जाती मफादात को मुल्की मफादात का नाम देकर फिर नजरिया बनाकर मंशूर बनाकर अवाम के सामने वो मंजन बेचा जाता है। और ये पूरी पाकिस्तान की तारीख है, मैं कितने मिसालें दूं आपको सब पता है। जहां तक अब ये मामला आज है कि ये सूबों तक जाती है चीज यहाँ कहीं तक, तो पहले मुझे कल तक बल्कि आज सुबह तक बहुत बड़ा खदशा था कि कहीं कोई मुल्क के अंदर हम कोई अनारकी तो नहीं पैदा होने जा रही, कहीं मुल्क में कोई खाना जंगी तो नहीं होने जा रही। खान साहब ने 1 लाख लोग का आपको याद है ना कहा था कि आज आज इतवार के दिन 1 लाख लोग जमा हों इस्लामाबाद में, लेकिन 100 भी लोगों का भी जमा ना होना तो ये बिल्कुल मैं मुदस्सर साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि ये कारकुनान इनके अचानक कहाँ गायब हो गए कि 1 लाख, पहले तो कहा था कि 10 लाख लेकर आऊंगा, 10 लाख उस दिन जितने थे वो डी चौक पर आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज भी उन्होंने कहा था कि 1 लाख लोग आएंगे तो वो पता नहीं कहाँ चले गए 1 लाख। तो मेरे ख्याल में अब मुल्क जो है कम से कम छुट्टी का दिन है, कुछ पहाड़ों पे चले गए होंगे, कुछ समंदर पे चले गए होंगे, कुछ रमजान की वजह से बैठे, कुछ रमजान की वजह से जी घर में सौदा सल लाना है। लेकिन ये एक खुशहाल बात है कि मुल्क की हम आप भी तो इस वक्त घर में बैठे हुए तोतों को पिंजरे में दाना डाल रहे हैं, खाना जंगियों की कोई इंतजार होगा तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसी चीज ऐसी कोई कोई मामला नहीं हुआ। मामला इस वक्त पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी मैं सुन रहा था गुफ्तगू अटॉर्नी जनरल साहब की, तो उन्होंने कहा था कि हतमी फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया तो वो उस पर होगा। दूसरी चीज ये कि यही खबरें चल रही है कि खुद जो नोटिस है वो कौमी असेंबली की कार्रवाई पर लिया गया है, तो अब कार्रवाई में फवाद चौधरी साहब की वो तकरीर जो गुफ्तगू है वो भी आती है, कार्रवाई में वो अदम इतमाद पर वोटिंग का एजेंडा भी आ जाता है और कार्रवाई में वो रूलिंग भी आ जाती है। तो ये जो अभी खबरें चल रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असेंबली की आज का ही कार्रवाई पर नोटिस लिया, तो अब ये कार्रवाई में तो तकरीर के दरमियान वो खत भी आ जाता है जिसका जिक्र किया गया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो साबित करना पड़ेगा ना। देखें ये कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अभी तक उसको इंडोर्स नहीं किया कि ये वाकई कोई इस तरह का खत है। आलमी सतह पर हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उन्होंने भी ये कहा है कि ये खत जो है ये किसी मुमकिन तौर पर किसी मुल्क ने नहीं लिखा। तो हमारे अपने ही सफीर ने आपका भाई आपको ये लिख कर भेज दे कि जुहेब आपकी टांगे खींचना चाहता है तो आप जुहेब के गले में पड़ जाएंगे, हम टांगे दे देंगे, भाई ने लिखा है हम कह देंगे टांगे खींच लें, क्योंकि इस मुल्क में दस्तों गिरबा होने से बेहतर है कि मुल्क के मफादात के बारे में सोचा जाए। तमाम बातें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन असल बात यह है कि मुल्क के मफाद के बारे में कौन सोच रहा है। मुदस्सिर साहब हालात तो ऐसे हैं कि मैं ना मानू वाली बात है, वो कहते हैं वो ठीक है, वो कहते हैं वो गलत है। कतरी खत, मेमू गेट स्कैंडल, उसके बाद ये एक और खत आ गया है। यकीनी तौर पर इसका तयन अब करना होगा, सच को सामने लाना होगा, चाहे मनसूबाबंदी जिसने भी की, अच्छी की बुरी की, हुकूमत ने की अपोजिशन ने की, ये पाकिस्तान के वकार की बात है, पाकिस्तान के वकार का सवाल है यहाँ पर। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सूरत हाल को अब किस तरह आप देख रहे हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें इतनी बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आइन के बारे में शायद इतने तालिबे इल्म हम मौजूद नहीं है इस वक्त हमें नॉलेज हो, लेकिन क्या देख रहे हैं सियासी तौर पर अभी बहरान कैसे निपटेगा? अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी बताना है अपने नाज़रीन को कि अपोजिशन तो मुतालबा करते ही देने कि हमने इस्तीफे देने हैं, असेंबली ख़त्म हो, ये भी एक मुतालबा था अपोजिशन का। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का इतना नुकसान नहीं होगा अगर इस सारी सिनेरियो को कबूल कर लिया जाए एज इट इज़ जिस तरह हो रहा है, तो अपोजिशन के लिए हालात फेवरेट हैं। और दूसरी बात यह कि अगर इसकी तशरी करके सुप्रीम कोर्ट भी अगर वाज़े कर देती है कि ये गैर आइन इकदाम तहरीक इंसाफ ने किया तो और तशरी हो जाएगी, ये भी उनके नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा पीटीआई के। तो दोनों साइडों पे दोनों पॉइंट्स को नजर में रखते हुए तो आपको लगता होगा वैसे कि हुकूमत इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकेगी क्या? उसने अपने कानूनी माहिरीन से डिस्कशन नहीं की होगी, अटॉर्नी जनरल से बात नहीं की होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे खान साहब ने कहा ना कि मजबूरी, जैसे आप ही की कल रात की खबर है कि ना वो होंगे ना वो होंगे ये जो, लेकिन नहीं मेरी खबर के साथ आईनी मेरी खबर के साथ आइन पर अमल दरामद मेंशन है। कल रात बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, उस अहम मुलाकात में बड़े अहम नुकात तय हुए थे और उसमें फैसला किया गया था कि आइन को फॉलो करना है। अब इसमें आइन की तहरीक इंसाफ तो उन्होंने फॉलो किया है, आइन की अपोजिशन फॉलो तो नहीं किया। अब आइन की ही मैं बात कर रहा हूँ, अब इसकी तशरी के सुप्रीम कोर्ट में तो हुकूमत पहले भी जा चुकी है जिसमें हमने आर्टिकल 63A की वजाहत उनसे तलब की हुई है। अब सबसे खतरा ये है, सबसे बड़ा खतरा पीटीआई को इस चीज पे सोचना चाहिए कि अगर ये मामला हुकूमती अरकान और डिप्टी स्पीकर पर, फवाद चौधरी पर, वजीर आजम पर आर्टिकल 6 पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर मामला कहीं और निकल जाएगा। और अगर इसी बुनियाद पे आर्टिकल 6 अगर अपोजिशन ने फाइल करवा दिया या कोई ऐसा मामला हो गया और आर्टिकल 6 खुल गया इनके ऊपर और पे वो सजाओं का तायन हो गया तो ये तारीख में आला मसाल होगी। चलें बहुत शुक्रिया राव मुदस्सिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैर ज़रदारी साहब, आप कराची से स्पेशली मौजूद थे। फैसला जो भी हो यकीनी तौर पर अब कौम भी जाग गई और कौम चाहती है कि बताया जाए,
हकीकत क्या है, सच कहा जाए, सच बताया जाए। गोया अगर आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की गई है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया है, तो इनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। गोया के अगर यकीनी तौर पर साजिशी अनासर सामने आ ही जाते हैं, इसमें किसी का किरदार का शामिल होना साबित होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे लिए पाकिस्तान मुअत्तबर है और पाकिस्तान के वकार के खातिर जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। यहां बात पर्सनैलिटी क्लैश की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिंदाबाद।